हेलो माय फ्रेंड्स सो फाइनली आईपी मैट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विथ रिस्पेक्ट टू दर का नोटिफिकेशन कब का मिल चुका है नाउ वी हैव फाउंड दैट उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड जरूर किया है सिक्स ऑफ मार्च जहां आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था नाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम ऑफ मार्च टुडे ओके सो वॉट दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल दी एंड स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बिकॉज वी हैव टू अवॉइड ऑल दोज मिस्टेक्स due To which our admission might get cancelled, okay, guys. So, do not repeat those mistakes. Watch this particular video till the end. Yeah, whichever doubts of yours, ask me in the below comment section, okay. And before moving further, guys, we have launched the batches for all the BBA entrance exams. If you are preparing for IPMAT for all IAMs, also through the ZIPMAT, CUET, it is with respect to the Christ University, CUCET, it is also termed as CUET Common University Entrance Test, also through NPAT for various BBA programs, SET General.

आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो अदरवाइज एडमिशन पे भी क्लिक कर सकते हो ओके okay? सी पर हम आ चुके हैं सो द प्रीवियस वीडियो इज विद रिस्पेक्ट टू दी दी ऑल अपडेट्स नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था नाउ यू कैन सी द रिस्पेक्ट सर्टिफिकेट्स ओके ओबीसी से बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए एस सी एस टी ओके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ देख सकते हो ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट ओके फर्स्ट ऑफ अप्रैल से आपके ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे एंड ऑल दो जिनके पास प्रीवियस अगर सर्टिफिकेट्स है देन यू कैन अपलोड इट ओके कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो प्रीवियस yes, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर सकते हो जैसे कि देखो आपका ट्वेल्थ हुआ नहीं है पूरा ठीक है इनकेस कैंडिडेट जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं राइट सो वैसे ही अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के सर्टिफिकेट्स है आप अपलोड कर सकते हो और ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह होगा देन यू कैन अपलोड द रिस्पेक्टिव वन ओके सो नाउ गो थ्रू ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स चेक द फॉर्मेट एंड अप्लाई फॉर द सेम ओके एंड नाउ आपको आ जाना है यहाँ सो so, ये जो डेट है मार्च एट ओके सो आज से स्टार्ट हो चुका है एंड नाउ जस्ट क्रोल डाउन क्लिक ओवर टू गेट यूजर आई डी एंड पासवर्ड फॉर न्यू एप्लीकेंट सो ऑल दी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर आई एम इन दर देम अंडर न्यू एप्लीकेंट ओके सो यहां आपको क्लिक कर लेना है एंड नाउ सो गो थ्रू दिस ऑल इंस्ट्रक्शन जितने भी स्टार मार्क्स है ओके ऑल फील्ड मार्क विथ स्टारेटरी स्टैंडर्ड टेंथ एस एस सी और इक्वल एंड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ओके सो एज पर टेंथ आपको नाम एंटर करना है सो टेंार्कशीट में इनकेस सपोज कुमार इज मर नेम एंड आफ्टर अशोक ओके इनकेस जैसे भी आपका नाम प्रिंटेड है बस वैसे यहां लिख दो जेंडर सेलेक्टेड कैटेगरी सेलेक्ट कर लो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है या नहीं वो भी आपको ध्यान में रखना है इफ है अपलोड करना है आफ्टर फर्स्ट ऑफ अगस्त टू थाउजेंड एंड थ्री ओके सो यहाँ मेंशन किया गया दैट मींस उनकी जो एज होगी वो ट्वेंटी एज होगी ओके डिसेबिलिटी no. नौ डेट ऑफ बर्थ जैसे कि हमको बता दिया है कि ट्वेंटी ईयर्स ओके सो हम पहले ईयर पे क्लिक कर लेंगे सी ओ ईयर थ्री टू वन यहाँ कोई भी अगर बॉर्न हुआ है वो सेलेक्ट कर ही नहीं पाएगा ओके सो थ्री कर लिया जुलाई में ज, जो जुलाई में भी जिनकी बर्थडे जुलाई में भी है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते ओके सो अगस्त मैंने सेलेक्ट कर लिया और अगस्त की हाँ वन टू कोई भी मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ ओके सो यह डेट नाउ ई मेल एड्रेस सो जो भी ई मेल एड्रेस मोबाइल नंबर यू आर एंटरिंग शुड बी रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस क्योंकि सारे अपडेट्स आपको यही मिलने वाले ओ टीपीस ओके यही मिलने वाले हैं सो मेक श्योर की वो सेम रहे दे आफ्टर सेलेक्ट योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस ओके डन नाउ इंटर कैप्चर आई एग्री एंड रीवेरीफाई नाउर समेल्स ओके नेम ऑफ कैंडिडेट कैटेगरी मोबाइल नंबर ईमेल्स करेक्ट है यानी चेकबॉक्स पर, पर कर लो ओके इफ नॉट देन यू कैन एडिट इट ओके सो सबमिट डन ओके सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड ओके दीज ऑल आर माई डिटेल्स एप्लीकेशन नंबर नेम कैटेगरी ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर नेशनलिटी कंट्री ऑफ प्रेसिडेंस एवरीथिंग इज करेक्ट ओके सो जस्ट क्लिक ओवर गई फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अदरवाइज यू कैन चेक मेल आपको पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी मिल चुका है ओके okay, सो so वापस उससे भी आप लॉग इन कर सकते हो नाउ एंटर पर्सनल डिटेल्स सो नेम ऑलरेडी एंटर्ड अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते नाउ फादर्स नेम ओनली फर्स्ट नेम ओके करेस्पॉन्डेंट एड्रेस डिटेल्स सी गाइस स्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स डिटेल्स एकदम करेक्ट होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप यहां भी कुछ मिस्टेक कर लो ओके चेक योर आधार कार्ड बिकॉज इट विल रिक्वायर्ड जो भी आप रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हो एड्रेस चेक कर लो इन केस अगर आधार पर आपका नाम अलग है मार्कशीट पे नाम अलग है देन अपडेट करा लो गाइस काफी टाइम है अपने पास ओके सो सेलेक्ट स्टेट विलेज डिस्ट्रिक्ट पिन कोड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट ओके दे आफ्टर टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर न सी ओवी दैंपल फोटो फोटो कैसा होना चाहिए ओके फोटो लाइक दिस ओके ये होना चाहिए बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट ओके यू कैन चेक द फॉर्मेट ओवर फोटो कैसा चाहिए आपका नाउ सिग्नेचर अपलोडेड ओके सो हे बी अपलोडेड फोटो सिग्नेचर एंड नाउ स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड फोटो आई डी दैट इज आधार कार्ड एंड देर क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट

जो सब्जेक्ट दिए गए हैं आप बेस्ट ऑफ फाइव लो बेस्ट ऑफ फोर लो और उसी का परसेंटेज बनाओ ओके okay? यहां बता दिया है आपको इन रिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड्स रेगुलेशन आपको जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं आउट ऑफ सिक्स हंड्रेड है आउट ऑफ सेवन हंड्रेड है देन वो सारे मेंशन करना है और उन सबके आपको परसेंटेज निकालने हैं और वही एंटर करना है इनकेसडिडेट्स आर अवॉर्ड लेटर ग्रेड्स और ग्रेड पॉइंट इंस्टेट ऑफ मार्क्स द कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स टू दसेंटेज ऑफ मार्क्स वुड बी बेस्ड ऑन द प्रोसीजर

मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड नेम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो और अदर बोर्ड यू कैन सेलेक्ट स्कूल नेम अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड एच एस सी एग्जामिनेशन मार्कशीट ओके सो क्लिक टू अपलोड ड्रॉप फाइल ओवर दिस इज मा मार्कशीट अपलोडेड ओके सो मार्कशीट हैज बीन अपलोडेड नाउ ट्वेल्थ सो यस स टाइप सेलेक्ट कर लो एंटर ऑल द डिटेल्स एज बी एंटर इन टेंथ डिटेल्स ओके और इफ यू आर अपेिंग कैंडिडेट यहां नो no सेक्ट कर लो रेस्ट कुछ भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है बट या वट इज यू नोट कैंडिडेट्स हुआली टू कंप्लीट स्टैंडर्ड ट्वेल्थ ऑल इक्वल एंड बाय द एंड ऑफ जुलाई थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी थ्री कैन ऑल्सो अप्लाइज टू मिटिंग द इलिबिलिटीरिया एज मन इन एडमिशन प्रोसीजर ओके रिस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में

सो वेरी फर्स्ट वन मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया मुंबई ओके पुणे आ रहा है आ गया ठीक है नियर बाय सिटी होनी चाहिए नियर बाय सिटी नहीं मिल रही है यहां मुझे वापस यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ नागपुर ओके okay. सिटी नंबर फोर एंड सिटी नंबर फाइव ओके सो दीज आर माई रेस्पेक्टिव प्रेफरेंसेज सेव एंड नेक्स्ट नाउ डेटा सेव ओके सो ईच एंड एवरी डिटेल्स करेक्ट फोर थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी रुपीज आई हैव टू पे okay so enter capture first i agree capture and submit so if all details are correct then click over submit and this is the payment gateway okay so you can select any payment gateway net banking credit card debit card upi qr code and pay the respective fees guys once fee paid you can't edit your form so this is the good time to Edit your form and thereafter, pay the fees. Okay, that's all from my side, guys. Any doubts and queries, if you have, then ask me in the below comment section. And one of preparation, join our classroom coaching at Mumbai. Call on respective numbers. We have started the crash course program for the BBA interest exams. Okay, so call on 8828581454 or visit our centers and get each and every details. Okay, for all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all from my side, guys. All the best for your career. See you in the next video.